पिछले साल जब बाबा, राजू और मैं शहर गए थे तब सायरा की और मेरी दोस्ती हुई थी। वो बड़ी मुसीबत का वक्त था। जब दादी बीमार हो गई, तो बाबा ने कहा काम ढूंढे उन्हें शहर जाना पड़ेगा। ये तय हुआ कि मैं और मेरा भाई राजू भी जाएंगे और अपनी बुआ जी के साथ रहेंगे। मैं सोचने लगी माँ और दादी के बिना कैसा लगेगा, स्कूल शुरू होने तक लौटेंगे या नहीं। राजू ये तस्वीरें देखो। देखो मिट्टू चिड़ियाघर। किसका सर? चिड़ियाघर। ओह चिड़ियाघर, वहाँ ले चलो ना बाबा। नहीं राजू अभी नहीं बेटा। चलो यहाँ तो पहुँच गए, अब बस तुम्हारी बुआ का घर मिल जाए। मिट्ठू राजू कहाँ गया? देखो मिट्ठू टीवी। राजू आखिर हमें बुआ का घर मिल गया। हम बुआ के मकान मालिक से मिले, उसने बाबा को पहचान लिया। मेरी बहन के घर का रास्ता बता देंगे, बड़ी मेहरबानी। वो लोग यहाँ नहीं रहते क्या, आपको पता नहीं? पर हमने तो चिट्ठी भेजी थी उन्हें। पता नहीं पर हम वो लोग तो चले गए। ओफो, अब हम क्या करें? अब हम कहाँ रहेंगे बाबा? सुनिए राजू को तो मैं रख लूंगी, मेरे बेटे को साथी मिल जाएगा, पर मीना, अरे हाँ पास में ही कुछ लोग हैं जिन्हें काम वाली की जरूरत है, मीना वहाँ रह सकती। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ बेटे, अगर यहाँ टीवी है तो रह लूंगा मैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। आखिरकार बाबा राजी हो गए। कौन? काम वाली लेके आया हूँ। जरा छोटी दिखती है पर चलेगी। मेरी बच्ची को बहुत काम तो नहीं करना पड़ेगा ना, वो बहुत छोटी है अभी। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान से रखेंगे, खाना कपड़ा सब मिलेगा, आराम से रहेगी। नहीं बस कुछ ही हफ्ते ये यहाँ रहेगी, बाकी हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। मीना मैं जल्दी ही लौटूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। चलो हो गया ना सब ठीक ठाक, चलते हैं, काफी रात हो चुकी है, जल्दी ही लौटूंगा। चलता हूँ मीना। अच्छा राजू। हाँ तो मीना घर का काम धाम तो जानती है ना? क्या? मीना? है? कौन बोला? ची तोता। मैं हूँ मिट्ठू। हाँ बोलता भी है, निकाल बाहर से, निकाल बाहर। जा मिट्ठू बाबा और राजू के पास जा। चुप चुप। हाँ दो लड़की जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। हाँ अरे देख रह गया एक। मीना कल सुबह जल्दी उठ के नलके से पानी ले आना। अरे थक गई मैं तो। साथ वाले घर में काम पर लगी हो ना? सारा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मीना। जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं चलती हूँ।
हम लोग चिड़िया घर जा रहे हैं, जरा देर से लौटेंगे, ठीक है? चिड़िया घर चलते हैं बच्चों। चिड़िया घर। मिठू, ओ मिठू, मिठू। मीना, क्या है ये चिट्ठी? हाँ, राजू, चिट्ठी। ओ राजू, कैसा है वो? मीना, मैं काम कर कर के थक गया हूँ। मैंने कभी भी इतना काम नहीं किया। मुझे घर जाना है राजू। बेचारा राजू, मुझे भी घर जाना है। मुझे भी। डरो मत, वो सब बाहर गए हैं। वाह वाह। देखो देखो, मेरे बाबा ने चिड़िया घर से क्या दिलवाया। ओ तोता बहुत प्यारा है। ए, हाथ पर लगा ना। हा? तोता? मिठू, राजू को ये चिट्ठी दे देना, मुझे पानी भर कर लाना है। मीना, बुढ़िया कैसी है? बहुत सताती है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। तुमसे पहले वाली लड़की तो भाग गई थी। अगर मुझे अच्छा काम मिले तो मैं भी भाग जाऊँ। वो लोग मुझे कभी कभी मारते भी हैं। मुझे तो घर में बंद करके चले जाते हैं। मैंने अपने घर वालों को 2 साल से नहीं देखा। मुझे अपने घर जाना है। क्या यहाँ एक भी अच्छी मालकिन नहीं? सायरा है ना, नसीब वाली है, उसकी मालकिन बहुत अच्छी है। सायरा से मिलने का बहुत मन हो रहा था। मीना, बेवकूफ लड़की, ऊपर से खुद रोती है। कौन देगा पैसे मेरी प्लेट के, बता? है? कौन है? चैन की सांस भी नहीं लेने देते। क्या है? जी नमस्ते। ओ, आप? मैं मीना से मिलने आया हूँ। मीना से? अच्छा, नहीं, मगर वो तो अभी अभी बाजार गई है। मैं कुछ देर यहाँ रुक जाता हूँ। रुक? नहीं नहीं, देर से लौटेगी। वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। पर मैं आप चिंता न करें। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। कोई जल्दी नहीं है। उसे कहना कि मुझे काम मिल गया है। हाँ। चिंता ना करें। बताऊं कि नहीं? मीना, बस अब रो मत, प्लेट ही तो टूटी है। समझ में नहीं आ रहा। हमें भी हाथ बटाता था। जल्दी जल्दी। ए मिठू, सुनो तो सही। काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल, लिखाई पढ़ाई और गणित के लिए खास दोपहर का वक्त, सिलाई टाइपिंग हिसाब किताब वगैरह भी सिखाते हैं। मिठू, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लड़कियों को भी बताना चाहिए। मिठू, कुछ सुना तुमने? तुम कौन हो? रेशमा कहाँ है? वो तो गई। तुम सायरा हो? हाँ, और तुम? मैं मीना हूँ, और ये है मिठू। मिठू। मिठू, तुम कब आई? आज शाम को।
दो मिनट में हमारी गहरी दोस्ती हो गई। सायरा ने मुझे बताया कि अब वो बहुत अच्छे लोगों के यहाँ काम करती है, पगार भी अच्छी है और कुछ आराम भी मिलता है, औरों की तरह नहीं है। पर वो इसी तरह अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहती। हम देर रात तक बातें करते रहे। मीना, सायरा, तुम कैसी हो? ये देख। क्या? खास स्कूल के बारे में है, शायद तुम्हारे काम आए। मुझे पढ़ना नहीं आता मीना। क्या है ये? मैंने उन सबको पढ़कर सुनाया। सब पढ़ना चाहती थी पर उन्होंने कहा कि उनकी मालकिन कभी राजी नहीं होंगी। सिर्फ सायरा ने कहा कि वो अपनी मालकिन से पूछेगी, भली औरत है वो। अरे बेचारी लड़की, ये कोई काम करने की उम्र है? कौन? मीना? तुम? बुआ, आप आ गए। मीना, इसने मेरा तोता चुरा लिया। वापस कर दे फौरन। मैंने इसका तोता नहीं लिया। लिया। वापस कर जल्दी। ये रहा तोता, पलंग के नीचे था। है? चल अब तो खुश। भतीजी पर चिल्ला क्यों रही हैं? भतीजी? मीना, आपकी भतीजी? अरे बड़ी प्यारी बच्ची है। लेकिन मीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, सब बताती हूँ बुआ जी। मैंने बुआ जी को सब कुछ बताया। बुआ ने कहा मुझे इस तरह काम पर नहीं लगाना चाहिए था। तुम अभी बहुत छोटी हो, बस बहुत हो गया। क्या आप जानती नहीं कि बच्चों से काम करवा? हाँ, मगर वो बड़ी मेहनती लड़की है, मैंने तो। बस बहुत हो गया, मीना मेरे साथ रहेगी। चलो सायरा। याद है जब बाबा को पता चला कि हम पर क्या बीती तो वो कितने परेशान हुए थे? उन्होंने कहा कभी हमें इस तरह काम पर नहीं लगाएंगे, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल? क्या पता सायरा कभी स्कूल जा सकी या नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बुआ जी वो स्कूल देख आई, उन्हें स्कूल पसंद आया, पर वो मुझे अकेले भेजने से डरती थी। उन्होंने पड़ोसियों से दूसरी लड़कियों को भी भेजने की बात की पर कोई नहीं माना। फिर उन्होंने स्कूल वालों को उन लोगों से बात करने को कहा। आखिर कुछ लोग मान गए। अब आयशा, गुलाब, मुन्नी और मैं, हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं। अच्छा लगता है। मैं कितना कुछ सीख रही हूँ। मैंने ये चिट्ठी